नजदीक आ जाएंगे बस और पास आ जाएगी यार। सबसे पहले फिल्म के ट्रेलर जो लॉन्च मिलेगा हमारे कंपनी ये कंपनी से सब कितना प्यार उदार मिल रहा है बाइक कितना है। और सबसे खुशी की बात ये है कि आज ये मजदूर में मजदूरिया परिवार सके इकट्ठा भी हुआ हम सब आदेश के आशीर्वाद दे दिखा के इसको भी दे सकता है क्यों। और ये फिल्म के बारे में जो आपने पूछा फिल्म हमारे पास कैसे आई इस फिल्म के कैरेक्टर हैं हमारे चाचा चंद्रभूषण मणि जी और हमारे बड़े भाई राम शर्मा जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनके नतीजे में हमारे बिहारी जी ये दोनों जब हम बॉम्बे में शूट कर रहे थे तो ये प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आए और जैसा इन लोगों ने बताया कि राम शर्मा जी हैं ये तमिल मूवी का बिजनेस है बहुत बढ़िया सा और वहाँ से आके ये हमको साइन किए हमको समझे कि नहीं मेरा छोटा भाई है और इनके फिल्म में हमको काम करने का मौका मिला। आपको दिल से थैंक यू धन्यवाद थैंक यू सो मच ये आलिया भी चाहिए सर तो क्या बात है। और ये भी इस फिल्म में काम किए बहुत अच्छा मेरे बड़े भाई के किरदार में है और हम तो बात कर ही रहे हैं भैया भी बात करेंगे और ये अंजना जी बात करेंगी हम सब परिवार बात करेंगे बिल्कुल। अंजना मैम से तो सवाल है ही मैम इस बार पिछले मैं आपके पास माइक देता हूँ हमने देखा कि बात आप जो है तलवार चला रही है कमिश्नर के साथ तलवार चला रही है थोड़ा सा अगर आप कुछ हमें यादगार पल बताया जब वो सीन शूट हो रहा था क्या चोटें लगी है किस तरीके से आप लोगों ने केमिस्ट्री बनाई मजा आ जाएगा प्लीज आप जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारी टीम के लिए यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राम शर्मा जी का और ये फिल्म मैंने कैसे की क्योंकि उसका सारा क्रेडिट करूँ जी का है। लेकिन पवन जी को मेरा एक डायलॉग है कि आग से खेलोगे तो जल जाओगे फिल्म के नाम मुझे उत्तर ना जब बोले तो आप गा के जाए लेकिन आपने जो सुनाया मुझे तो मुझे भी डायलॉग याद आया इस फिल्म का कि हर फैसला होता नहीं सिक्का और शाम के हर फैसला होता नहीं सिक्का और शाम के ये दिल का मामला है सर की तरफ चलते हैं। सर ये बताएं कि दोनों अभिनेत्रियां आपकी इस फिल्म में हैं एक से काम चलता नहीं या फिर ऐसे नॉर्मली सर थोड़ा सा ना करें हम भर जाएं अभी सर लेकिन मतलब आपको मतलब ऐसे शक्ति आ जाती होगी नहीं नहीं अरुण दुबे जी देखिए आप अरुण दुबे आपका नाम है आप जो मजे लेते हैं आप मजे लेंगे मजे लेते हैं और कोई भी आर्टिस्ट जा के भी आपके अपना मजा दिखा नहीं सकता है क्योंकि आप इतने अच्छे से मजा लेते हैं। सर मेरा एक सवाल है जिस तरह से इस फिल्म में एक्शन है कहीं ना कहीं साउथ फिल्म के लेवल को टक्कर दे रहे हैं सही बात है किसी के
बेहतर क्या देना है, बस हम ये चाहते हैं कि हम सभी जो है अच्छा से काम करें और ये हमारे काम की प्रशंसा बस मन में यही है और यही रहेगा। ऐसा नहीं लगता है कि ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए, वो हमारी भोजपुरी की भी फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए। भाई हम लोग तो बैठ करना कोशिश रही, हम सब कलाकार जो एक्टिंग करते हैं सिंगिंग करते हैं और किस लेवल पे हमारी सिनेमा जाएगी इसमें हमारे साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर भी हमारा सहयोग देंगे तो शायद ये मामला थोड़ा और आसान हो जाएगा। डायरेक्टर साहब तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैंने देखा पूरे शहर में कपड़ों की इतनी ज्यादा बरसात हुई है तो हर कोई एक दूसरे को, तो ये सिर्फ मजे के लिए था या वाकई में इसके पीछे कोई कहानी है? मैम अगर आप बताएं, आपने भी एक दो कपड़ सूखे हैं। सजाते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें कि हमारे काम की प्रशंसा हो और फिल्म में हीरोइन प्यार के लिए होती है, इमोशन के लिए होती है, एक लगाव के लिए होती है, थप्पड़ मारने के लिए होती है। तो थप्पड़ मारने का सीन होता है उसके लिए कैमरा का एंगल है ना, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता नहीं, लगता नहीं। सर एक सवाल आपसे और है कि हमारा स्वाभिमान फिल्म का ही नाम है, पवन सिंह की नजर में स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? लंदन से आके ये जो हमारे भाई साहब एक कोशिश किए हैं कि हमारे फिल्म की स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, हमारे कल्चर से मतलब जुड़न होके हमारे हो गए जैसे चाचा पापा आजी बुआ ये सब के फिल्म में वो लगाव में काम के लोग बड़े कैसे सम्मान करके चाहिए, कैसे इज्जत करके चाहिए, बड़े सामने कैसे बैठने के चाहिए, बड़े सामने कैसे खड़ा होने की चाहिए, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। सबका सम्मान सबका इज्जत। और मैंने पहले एक बात बोला था, हमारे चाचा जो हमारे गुरु जी हैं अजीत सिंह जी, उन्होंने हमको बचपन में ही बताया था कि बेटा, क्योंकि हमारे चाचा को हमारे बाबा तभी इजाजत दिए गाना गाने के लिए कि बेटा किसी का प्रोग्राम अगर एक रुपए में फाइनल करना तो उसको कैंसिल करने के लिए दुनिया में दूसरा पैसा ना बना, ताकि उस पैसे के लिए कम से एक रुपए घुसो, तभी हमारे चाचा को इजाजत मिला। और चाचा हमको जब शिक्षा देने लगे तो बोले बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं बट अंजना मैम आपसे ये सवाल जरूर हो गए, आप बहुत खुश हैं, आप देख पा रहे हैं आप लोगों को देखकर, आपकी जोड़ी को देख करके इतने लोग ज्यादा खुश हैं, लेकिन जब आप बहुत दिन बाद आप दोनों ने साथ में केमिस्ट्री बनाई है, स्क्रीन शेयर किया है, आपको जब अचानक पता चला कि मैं कौन के साथ आपका काम करना है, क्या चल रहा था जहन में, और जब इनके साथ आप काम करती कितना कम्फर्ट फील करती है, क्या कैसे आप बयां करेंगे? क्या है हमने के बचपन में वो बात
सुनले बनी जा कि हसुआ हसुआ कितनो भोखर हो जाए तो वो अपने ओर कहीं से आपने दुनिया के किसी भी कोने में रहता है अगर आपन भाषा बोले वाला क्यों मिल जाए वो बच्चा होके बच्ची होके लड़का होके लड़की होके लड़का लेकिन तो हम बोलते ही नहीं मैं भाई बहन बोलता हूँ माता माता बहन बोलता हूँ क्योंकि आज ये जो मैं बोल पा रहा हूँ ये हमारे जो भगवान स्वरूप जो ऑडियंस है उन्हीं का आशीर्वाद नहीं तो हमारे जैसे बहुत घूम रहे हैं कोई किसी को पूछने वाला नहीं आज हम खड़े हैं तो हमारी ये ऑडियंस का देन है तो कहीं भी आदमी रहेगा आपन भाषा बोले वाला क्यों नहीं ज्यादा जैसे मान लो कहीं खड़ा बने खाली अंग्रेजी चला तो हिंदी हो नहीं कर पता करता है कि भाई इन्होंने क्या बात बात में ये बोल देता है यार नहीं तो सॉरी नॉट ओके लेकिन अब वही में से कौन आवाज आ गई जी नमस्ते कैसे मानी चाहे हाय भैया कैसे लगता है यार ये अपने डरता है तो ये खुशी की बात है ये होखे के चाहिए कि हमने के जो भाषा के बारे में हमने के मिल के काम करें ठीक है इसे अपन को साफ होना हो अपने भाषा में अपन मिल के हमार माटी प्रोग्रेस करे हमार माटी आगे बढ़े और हमने हिंदुस्तान के जय जय हो आखिरी में अब प्रोड्यूसर साहब के पास चलते हैं इस वजह से क्योंकि इन्होंने हम सभी को आज यहाँ जिताया है।